Yes, good morning students. Before starting this chapter, I want to share some very important regarding NAS test. NACS. That is national. Okay. Achievement. Yes, achievement survey. That is kind of survey. टेस्ट है ये आपका नेस टेस्ट. ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी आपको मैम ने बता दिया हुआ है. ठीक है, एंड सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है टुमारो लिंक विल बी शेयर्ड इन योर ग्रुप. ठीक है, फोर सब्जेक्ट्स विल बी देयर, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी. ठीक है, देन दीज फोर लिंक्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ गूगल. ठीक है, आपको गूगल फॉर्म होगा. And basically 10 questions will be there. Time and information will be shared by your class in charges in your class book. Okay, this is your mock test. Mock test ka matlab hota hai ultimately this test will be in the month of November, 12th November. But this is a kind of mock test, and jo mock test hai, that is very very compulsory for you people to attempt. Link will not be closed at all, so full day will be there, so you can attempt anytime. And one thing, make it sure whatever the questions will be, these questions will be not be in the direct answer type. ठीक है, learning based questions क्या होते हैं कि जो statement से आपने MCQs आपने किए हैं, आपको पता है कि थोड़ा thinking based questions होते हैं. इसको बोलते हैं LO based questions. LO का मतलब क्या होता है? Learning outcome. ठीक है, learning outcome का मतलब क्या होता है? आपने पूरा chapter पढ़ लिया, उसके बाद उस chapter में से questions किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो आंसर्स हैं वो आपके सामने एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने होंगे. ठीक है, आपको लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग आंसर सारे आपको एक जैसे लगेंगे. बेस्ट आपने आंसर जो है वो पिक एंड चूज करना है. ठीक है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें. एकेडमिक जो होता है आपकी स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. नॉन एकेडमिक जो है दैट इज रिगार्डिंग योर अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब होता है रिगार्डिंग योर क्लास, रिगार्डिंग योर स्कूल, रिगार्डिंग योर होम एनवायरमेंट. तो ये जो क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपरली बता, ये जो क्वेश्चंस होते हैं नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर भी काफी हद तक सारे के सारे आंसर सेम ही थे, लेकिन आपने उसमें से बेस्ट जो आंसर है वो पिक एंड चूज करना है. बी पॉजिटिव ऑलवेज. पॉजिटिव का मतलब होता है जो नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे उसमें आपने पॉजिटिव आंसर, उन चारों में से बेस्ट ऑप्शन जो है पॉजिटिव आंसर है. पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पूछा नॉन एकेडमिक का मतलब होता है कि Is your study environment in your home that is safe? Safe का मतलब होता है कि क्या आपके घर में study environment है? Safe है. ठीक है, safe का मतलब है कि आप अपने घर में पढ़ रहे हो. ठीक है, proper है, किसी तरह का domestic violence तो नहीं है, या किसी तरह की जो है like जैसे child torture होता है ऐसा तो नहीं है. तो इसमें आपने best possible answer देना है. ये एक survey है. इस सर्वे में कितने ही तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं. एंड आर मोटिव इज टू मेड आर मेक आर स्टेट एज नंबर वन. ये स्टेट वाइज है. ठीक है, स्टेट वाइज का मतलब क्या होता है कि जो रैंक है, जितने आपके पॉजिटिव आंसर्स होंगे, जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के पॉजिटिव आंसर्स मिला के अलग अलग स्टेट्स का रैंक बनाया जाएगा, और इसमें पंजाब जो है वो हमने नंबर वन लेकर आना है. दैट इज आर टारगेट. हमारा टारगेट है ये कि इस अचीवमेंट सर्वे में हमारी जो स्टेट है वो नंबर वन, जलंधर नंबर वन हो, हमारा स्कूल नंबर वन. ठीक है, और वो तभी होगा जब आपके सारे आंसर जो हैं वो करेक्ट होंगे. और जो नॉन एकेडमिक हैं, नॉन एकेडमिक क्या होंगे? पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? चार क्वेश्चन जो चार आंसर्स हैं उसमें से जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लगेगा पॉजिटिव आंसर होगा वो आपने बताना. क्लियर? तो इसमें आपने ब्रेन से, हम अपने हार्ट के नहीं सुनेंगे, हम क्या यूज करेंगे? ब्रेन यूज करेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है उसकी सेंस कैसे बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो देना. ठीक है, और ये आपको टाइम कल बता दिया जाएगा. फोर सब्जेक्ट्स आर देयर, एंड जरूरी नहीं है कि आपको टेंथ का ही सिलेबस होगा, नाइन्थ का सिलेबस भी आ सकता है, नाइन्थ के कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं. मीन्स एट्थ का जो पेपर है उसमें सेवन्थ के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपका टेंथ का पेपर है उसमें नाइन्थ के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये जनरल क्वेश्चंस होंगे. जनरल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? जो आपने पढ़ा है. पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं होते जिसमें कि आपको पर्टिकुलर जो है वो डाटा चाहिए या कुछ, इसमें आपके जनरल क्वेश्चंस होते. तो जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, और एक और चीज आपने
इंश्योर करनी है कि जिस दिन हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा, लाइक हमारी जो डेट है दैट इज 12 नवंबर, तो ऑल शुड बी प्रेजेंट, क्योंकि टेस्ट तभी कंडक्ट होता है स्कूल में जब प्रेजेंस जो है वो मार्क हो और सभी बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, ठीक है. इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आपको टाइम टू टाइम तब दे दी जाएंगी. लेकिन मैं आपको सिर्फ कल के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि कल के लिए जो टेस्ट है ये आपका गूगल फॉर्म पे शेयर होगा और टाइमिंग्स वगैरह जो भी हैं वो आपको बता दिए जाएंगे. एंड आपने बच्चे टेस्ट के बाद जो स्क्रीन शॉट हैं वो आपने मुझे पर्सनल सेंड करने हैं, जो हमारा ग्रुप है हिस्ट्री एंड सिविक्स का. क्लियर? ग्रुप में बच्चे, ग्रुप में हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो ग्रुप. ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टेस्ट? ये आपका कल जो टेस्ट है वो प्रैक्टिस टेस्ट है, वो प्रैक्टिस टेस्ट है आपका, ताकि आपको पता होना चाहिए. इवन आप नेट पे फाइंड आउट कर सकते हो जो नेक्स्ट टेस्ट की सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, वो आप सारा फाइंड कर सकते हो, उसमें सारा सिलेबस दिया है. ठीक है, हाँ जी. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? 10 questions विल बी देयर, 7 questions विल बी एकेडमिक एंड 3 questions विल बी नॉन एकेडमिक. मैंने आपको बताया कि लिंक विल नॉट बी क्लोज फॉर दैट डे. ठीक है, तो पूरा दिन आपके पास वो आपको बाद में बताया जाएगा जो मेन पेपर है. Any doubt? नहीं, वो डिफरेंट कल का तो वैसे प्रैक्टिस टेस्ट है. ठीक है, हाँ जी. 12 नवंबर का जो टेस्ट है वो ऑनलाइन ही है, वो ऑफलाइन होगा. ठीक है, यस. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपने एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट हेडिंग फ्रेडरिक सोरियो. अब फ्रेडरिक सोरियो से रिलेटेड ईयर, मेन ईयर कौन सा है? 1848. अपने माइंड में इसी तरह से याद करो कि इस पेज में तो हमने एक ही कौन सा ईयर याद रखना है, 1848. ठीक है, तो फ्रेंच आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन सा है ये? फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने एक प्रिंट बनाया था, इसका नाम क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. वैसे तो उन्होंने और भी प्रिंट्स बनाए थे, टोटल कितने प्रिंट्स है? 4 प्रिंट्स, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक ही प्रिंट है, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. इस प्रिंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कौन सी कंट्रीज लीडिंग है, कौन सी कंट्रीज बिल्कुल स्टैचू के पास है, कौन सी कंट्रीज पीछे है. इसका मतलब क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी शो करता है इंडिपेंडेंस और फ्री फ्रॉम मोनार्की. जो कंट्रीज इस स्टैचू से आगे हैं, इट मीन्स उन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया. लाइक कौन सी कंट्रीज आगे हैं? सबसे पहले नंबर 1 यूएसए. इसका मतलब है 1848 तक यूएसए दैट वाज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मोनार्की कंट्रोल. ठीक है, कुछ कंट्रीज बिल्कुल स्टैचू के पास हैं जो ये शो करती हैं कि दीज आर अबाउट टू अचीव. जैसे इसमें सबसे पास, सबसे इसके पास कौन सी कंट्री है? 1848 फ्रांस. सेम ईयर जब 1848 में फ्रांस क्या बना था? फिर से रिपब्लिक बना था. ठीक है, इसके बाद कुछ कंट्रीज पीछे हैं. पीछे होने का मतलब क्या है कि इन कंट्रीज में अभी भी मोनार्की या ओल्ड ट्रेडिशंस थे. तो आपको इंडिया इसमें से कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया उस टाइम नेशन नहीं था. तो ये कंट्रीज जो हैं ये अपने अपने फ्लैग को कैरी किए हुए हैं, यानी कि उस टाइम पीरियड में फ्रेडरिक सोरियो ने नेशन का एक कंसेप्ट दिया था कि जब एक नेशन बनता है तो लोग अपने नेशन को अपने फ्लैग से, अपनी नेशनल ड्रेस से जो है वो रिकॉग्नाइज करवाते. अब इसके साथ साथ न्यू वर्ड्स साथ में हमेशा याद रखो. किसी भी चैप्टर में जो ग्लॉसरी या जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, ये टर्म्स आपको डेफिनेशन फॉर्म में पूछी जा सकती है. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट क्या होती है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब 100% पावर्स किसके हाथ में? मोनार्क के हाथ. एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर आप कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकते हो, जिसको आप किसी भी तरह से जो है वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते. तो ऑटोमेटिकली ये वो गवर्नमेंट होती है जैसे लुई 16 जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी जिसमें सारी की सारी पावर्स लुइस के हाथ में. देन यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया, ये जो पिक्चर है ये यूटोपिया है. यूटोपिया का मतलब ऐसा कभी रियल में नहीं हुआ, दैट वाज ओनली ड्रीम. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सारी कंट्री जैसे फ्लैग मार्च निकाले? नो, दैट वाज ओनली ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो. और इस ड्रीम विजन को क्या बोलते हैं?
यूटोपियन विजन. फॉर एग्जाम्पल आप लोग हो, जैसे आप कुछ ड्रीम करते हो कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज योर ड्रीम. ठीक है, यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब होता है जो रियल में नहीं है लेकिन आप ड्रीम करते हो कि हाँ जी कार जो है वो फ्लाई होनी चाहिए, फ्लाइंग कार्स होनी चाहिए, है ना. तो मे बी आज से 30 years पहले लोगों ने सोचा होगा कि कुछ ऐसा फोन होना चाहिए कि जो हम बिना बिना वायरलेस, लेकिन उस टाइम पीरियड में था नहीं. तो उस टाइम पीरियड में उनके लिए वो यूटोपियन विजन था, लेकिन आज के टाइम पीरियड में यूटोपियन विजन नहीं. तो ऐसा उस टाइम पीरियड में इसने सोचा होगा फ्रेडरिक सोरियो ने. आज के टाइम में आज पॉसिबल हो सकता है जब ओलंपिक गेम्स होती है तो अलग अलग कंट्रीज फ्लैग मार्च निकालती है. तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे एक इंडिपेंडेंस का एक जस्ट वो दिखाया गया है कि सिंबल दिखाया गया है. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज है नेशन स्टेट्स. यहाँ पे मेन थीम जो है इस पेज का क्या है, नेशन स्टेट्स. इस इट मीन्स आपको नेशन स्टेट की डेफिनेशन दो तरह से याद करनी है. एक नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे शेयर्ड हिस्ट्री या कॉमन कल्चर होता है. दूसरी डेफिनेशन दी है अर्नेस्ट रेने ने. अर्नेस्ट रेने ने कहा है कि एक नेशन में सिर्फ कल्चर का सेम होना या हिस्ट्री का सेम होना ही जो है वो नेशन नहीं बनाता. नेशन तब बनता है जब लोगों से वोटिंग ली जाए. वोटिंग का मतलब होता है उनकी ओपिनियन को माना जाए. उसको उसने क्या दिया है, नाम दिया है प्लेबिसाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट का मतलब होता है एक ऐसा वोट जिसमें लोगों से यस और नो पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं. तो अर्नेस्ट रेने के अकॉर्डिंग नेशन स्टेट क्या होती है, लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी, यानी कि ऐसे लोग जिसमें लोग इकट्ठे होकर अपने वोटिंग राइट्स को यूज करते हैं और गवर्नमेंट को चेंज करने का एफर्ट, यानी कि गवर्नमेंट को चेंज करने का राइट उनके पास होता है डायरेक्ट वोट, जिसको बोलते हैं प्लेबिसाइट. ठीक है, तो यहाँ पे मेन थीम क्या है आपका, नेशन स्टेट का मीनिंग. देन अर्नेस्ट रेने ने नेशन स्टेट की क्या डेफिनेशन दी है, एंड नेक्स्ट इज प्लेबिसाइट. तो ये वर्ड जो है इनकी डेफिनेशन फॉर्म में आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो अपने 9th में सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ एक पेज है. इस एक पे फर्स्ट पेज पे आपने मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आए और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो है वो जो है चेंजेस जिनके कारण फ्रांस में नया सिस्टम यानी कि मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया. टू पिक्चर्स आर गिवन एंड इन दिस पिक्चर्स पिक्चर्स ऑफ बस्टाइल फोर्ट्स हैव बीन शोन, जिसमें दिखाया गया कि कैसे उसको डिमोलिश किया गया. ठीक है, बस्टाइल फोर्ट के बारे में दिखाया गया है. क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आया फ्रांस में, क्योंकि उसके बाद ही लोगों ने ग्रुप बनाकर इकट्ठा होने शुरू. इससे पहले कभी भी किसी ग्रुप ने कभी भी किंग के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई. तो इसलिए कहते हैं इसको क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. इसके बाद है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. जब लोग इकट्ठे होते हैं उनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है वो सारे एक ही तरह के एक्सपेक्टेशन जो है. जैसे हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया, इंडिया में सभी लोग इकट्ठे हुए, फ्रीडम स्ट्रगल हमारा 300 years तक चला और उसके बाद फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. इसी तरह से फ्रांस में भी लोग इकट्ठे हुए. कॉमन आइडेंटिटी का मतलब होता है उन्होंने आपस में शेयर किया, ग्रुप बनाए, जैकोबिन क्लब बना. देन मेनी पीपल दे गैदर देमसेल्फ इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बने और इन दैट सेंस वी कैन से दैट मोनार्की सिस्टम वॉज एबॉलिश. मोनार्की एबॉलिश होने के बाद फ्रांस का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें बहुत से चेंजेस आए. तो कुछ चेंजेस हमने इसमें मेन बताने की क्या क्या चेंजेस आए. तो मेन चेंजेस याद करो, पहले पार्लियामेंट का नाम क्या होता था, एस्टेट जनरल, लेकिन अब नेम क्या हो गया, नेशनल असेंबली, जिसने क्या बनाया कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड का मतलब होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में जितने भी लोगों को मारा गया उनको शहीद यानी कि मार्टियर्स का स्टेटस दिया गया, उनको अवार्ड्स दिए गए. देन पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. मेन सिस्टम का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फ्रेम टुगेदर फॉर ऑल द कम्युनिटीज. देन फ्रेंच वॉज कॉमन लैंग्वेज. मेन एफर्ट क्या किया गया कि लैंग्वेज को मेन कॉमन किया गया ताकि लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके. एंड यूनिफॉर्म वेटिंग. एंड वेटिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को वेट करने का सिस्टम. अलग अलग एरियाज में अलग अलग था लेकिन इन्होंने इसको क्या किया, कंबाइन किया. एंड इन दिस वे वी कैन से दैट डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस ब्रॉट पीपल टूगेदर एंड दिस गिव द फीलिंग ऑफ वेट. वेटिंग, वेट का मतलब चीजों को वेट करना, 1 kg, 2 kg,
ठीक है। इसके अलावा लॉ फैक्ट्री, लॉ फैक्ट्री का मतलब क्या है? फादरलैंड। हम अपनी कंट्री को मदरलैंड कहते हैं, तो वहां पे उन्होंने ये नया कंसेप्ट दिया लॉ फैक्ट्री फादरलैंड। ठीक है, फादरलैंड मीन्स ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, मतलब लोगों के बीच में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड लाने के लिए दे गॉट यूनाइटेड। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि बेटा नेपोलियन बोनापार्ट जब 1804 में डिक्टेटर बने थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री इंपीरियलिस्टिक नेचर के थे। उन्होंने फ्रांस के अलावा और कितनी कंट्रीज में अपनी आर्मी को भेजा, कौन कौन सी कंट्रीज में अपनी आर्मी को भेजा, तो वो कंट्रीज के नेम आपको पता होने चाहिए। फ्रेंच आर्मी मूव टू कौन कौन सी कंट्रीज में, नेक्स्ट पैराग्राफ, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मेनी पार्ट्स ऑफ इटली। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इन कंट्रीज में भी अपनी आर्मीज को भेजा और उन एरियाज को अपने अंडर किया। वो अलग बात है कि बाद में ट्रीटी ऑफ वियना में जितने भी एरियाज नेपोलियन बोनापार्ट ने एक्वायर किए गए थे, वो सारे एरियाज को बाद में विनर कंट्रीज ने आपस में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज की अचीवमेंट। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज सिविल कोड 1804। अभी तक हमने कौन से ईयर याद किए हैं? 1848। दिस ईयर इज एसोसिएटेड विद फ्रेडरिक सोरियो। देन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1804 नेपोलियन कोड, प्रप्रीत 1804 नेपोलियन सिविल कोड। क्या होता है बच्चा सिविल कोड? सिविल कोड का मतलब क्या होता है? सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल द पीपल। यानी कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। उसने डिक्टेटर बनते ही कंट्री में बहुत से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहला उसने चेंज किया क्या? राइट टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि लोग अपनी अनलिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। इट मीन्स उसने किसको सपोर्ट किया? ही सपोर्टेड रिच पीपल इन द सोसाइटी। देन सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। बच्चे फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? क्या था फ्यूडल सिस्टम? लुई 16 के टाइम पीरियड में ही अपॉइंटेड सम फ्यूडम्स। फ्यूडम्स का मतलब होता है ये कौन थे? कुछ पर्सन, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज, दे वर गिवन सैलरी बाय द लुई 16। उनको गवर्नमेंट सैलरी देती थी और अल्टीमेटली इनका काम क्या होता था? दे कलेक्टेड, क्या करते थे ये? ड्यूज। ड्यूज का मतलब क्या होता है? ए काइंड ऑफ टैक्स। और इन टैक्स को क्या बोलते थे? फ्यूडल ड्यूज। आज के टाइम में भी आप कुछ टैक्स देते हो, आपके पेरेंट्स कुछ टैक्स देते हैं, लेकिन क्या लोग आपके घर में आके टैक्स लेते हैं? आप कहाँ पे देते हो? पेरेंट्स कहाँ पे देते हैं? बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। बट एट दैट टाइम बैंकिंग सिस्टम वॉज नॉट देयर, सो किंग अपॉइंटेड सम फ्यूडम्स एंड इन फ्यूडम्स के आगे इन्होंने अपने आगे जो है वो पर्सन रखे होते थे। इनका मेन काम क्या था? टैक्स कलेक्शन। और टैक्स कलेक्शन के बाद ये क्या करते थे? जो भी इनके पास मनी आती थी, दैट वॉज डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी ऑफ द किंग। ट्रेजरी ऑफ द किंग मतलब किंग का जो खजाना होता है, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचो कि ये डिफॉल्ट क्यों था? करप्शन। क्या करप्शन होती थी इसमें? फ्यूडम्स क्या करप्शन करते होंगे? जितना टैक्स बनता था उससे ज्यादा। सपोज आपको पता है कि हमारा इतना इनकम टैक्स बनता है, आजकल तो सब कुछ क्लियर है, कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पीरियड में जो इलिटरेट लोग होते थे उनको नहीं पता होता था, तो दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द फ्यूडम्स। सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम वाज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने सिस्टम को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। एंड डिफरेंट, अच्छा इसमें दो ड्यूज दिए गए हैं, सर्फडम एंड मैनोरियल। क्या मतलब है? पुराने टाइम पीरियड में कुछ पीजेंट्स को सर्व बोलते थे, सर्व तो लेबर, यानी कि एग्रीकल्चर लेबर होते थे। मैनर्स होते थे, एम ए एन ओ आर एस, लैंडलॉर्ड्स, ये होते थे लैंडलेस, और ये होते थे जिनके पास अपनी लैंड होती, तो इनको भी कुछ ड्यूज देने पड़ते थे। सर्व जो ड्यूज देते थे उनको बोलते थे सर्फडम, और मैनर्स जो ड्यूज देते थे इनको बोलते थे मैनोरियल, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? एक तो फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज खत्म कर दिए। तो हु वर बिकेम वेरी हैप्पी?
farmers, peasants and businessmen, they became very happy with the coming of Napoleon Bonaparte. लेकिन ये सिर्फ starting का ही था. ये manors, landlords, ये landless, जिनके पास land नहीं होती थी. ये किसी और की लैंड में एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन जितनी भी इनकम होती थी ना, उस इनकम का कुछ परसेंट इनको ड्यूज देना पड़ता था. उसको बोलते थे serfdom. मैनर्स जो थे, जिनकी अपनी लैंड होती थी, जितना भी उनके ऊपर अर्न होता था, इनकम होती थी, उस इनकम का कुछ परसेंट देना पड़ता था, उसको बोलते थे मैनोरियल. तो serfdom एंड मैनोरियल कुछ वर्ड्स बुक में जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा अंडरलाइन करो और ध्यान से इनको लर्न करो कि इसका मीनिंग क्या है. एंड अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. ठीक है. इसके अलावा बिजनेसमैन को क्या उसने फ्रीडम दी? बिजनेसमैन जो थे, दैट दे वर गिवन फ्रीडम, दे सम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड. ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन को एक एरिया से दूसरे एरिया में जब भी गुड्स लेकर जाते हैं तो उनको एक्साइज एंड टैक्सेशन काइंड ऑफ कुछ ड्यूज देने पड़ते हैं. तो नेपोलियन ने कुछ ड्यूज को खत्म कर दिया. वेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने को बोला कि वेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. आगे क्या होता था, जैसे जॉलवेरिंग ने आपने पढ़ा है, जॉलवेरिंग से पहले हर एरिया का वेटिंग सिस्टम अलग होता था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंडर आने वाले जितने भी एरियाज हैं, उन एरियाज के लिए एक ही तरह का वेटिंग सिस्टम रखा. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. ठीक है. तो ये सारे नेपोलियन बोनापार्ट के सिविल कोड, किसी भी तरह से आपको वन मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं. अब आ जाओ, व्हाई ही वॉज डिसलाइक, क्यों उसको डिसलाइक किया लोगों ने? स्टार्टिंग में तो ही वॉज वेलकम. नंबर वन, हाँ जी, क्या हो गया? व्हाई ही वाज डिसलाइक? नंबर वन, टैक्सेशन. जो लुई 16 ने गलती की, इसने वही गलती को रिपीट किया. टैक्सेशन यानी कि नो डाउट इसने ड्यूज को तो कम कर दिया, लेकिन अब आगे जाकर जब इसने अलग अलग टेरिटरीज के ऊपर अटैक किया, डिफेंस, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, या सोल्जर्स को सैलरीज देने के लिए, या अलग अलग एरियाज में आर्मीज को अपॉइंट करने के लिए, ही नीडेड लार्ज स्केल ऑफ मनी. एंड फॉर दैट व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टैक्सेस. ठीक है. देन सेकंड इज फोर्स रिक्रूटमेंट. फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जो सोल्जर्स, हाँ जी, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो सोल्जर नहीं बनना चाहते थे उनको भी जबरदस्ती आर्मी में एम्प्लॉय किया गया. ठीक है. देन थर्ड इसमें आपने बताना है सेंसरशिप. ठीक है. अब सेंसरशिप क्या है? जैसे फ्रीडम से ऐसे ही कौन होते थे? सेंसर्स. हु वर कॉल्ड सेंसर्स? कौन होते थे सेंसर्स? दीज वर आल्सो सम पर्सन अपॉइंटेड बाय किंग टू चेक ऑल द रिटन मटेरियल लाइक काइंड ऑफ बुक्स. जो भी उस टाइम में प्रिंटेड मटेरियल होता था, कि वो किसी भी तरह से जो था वो किंग के अगेंस्ट ना हो. नेपोलियन बोनापार्ट जब आया तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से सेंसरशिप लगा दी. सेंसरशिप लगाने का मतलब क्या होता है? कि कुछ भी आर्टिकल या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट किसी भी बुक में प्रिंट नहीं होगी. इसको बोला गया सेंसरशिप. तो ये तीन रीजन थे जिसके कारण लोगों ने इसको डिसलाइक किया. हाँ, लुई 16 के टाइम में थी, याद रखो, लुई 16 के टाइम में थी, लेकिन जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तब सेंसरशिप को हटा दिया. लेकिन बाद में मैक्सिमम रॉबेस्पियर के टाइम पीरियड में भी सेंसरशिप काफी हद तक हटा दी थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया. ये याद हो, क्लियर? हाँ जी. स्लेवरी सिस्टम को नेपोलियन बोनापार्ट ने रीइंट्रोड्यूस किया. अब हाँ, स्लेवरी सिस्टम भी ऐसे याद रखो, लुई 16 के टाइम पीरियड में स्लेवरी सिस्टम था. मैक्सिमम रॉबेस्पियर, वो तो कॉमन मैन था तो उसने तो हटाना ही था, उसने हटा दिया. लेकिन इसके टाइम में, नेपोलियन के टाइम पर, स्लेवरी सिस्टम को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, पॉलिटिकल फीचर्स. पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ यूरोप, जिसमें आपका मेन जो स्टेटमेंट है दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर. इसमें हमने बताना है कि यूरोप जो था उस टाइम पीरियड में, दैट वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ किंगडम्स. And each and every kingdom was under different dynasties. Patchwork का मतलब क्या होता है? अलग अलग dynasties. जैसे इंडिया की बात करें, आज का इंडिया का मैप और 17 और 18 सेंचुरी के इंडिया के मैप में लॉट ऑफ डिफरेंस है. आज कितना स्टेट्स नहीं थी, और उस टाइम पर में किंगडम्स, अलग अलग किंगडम्स थी, अलग अलग एरियाज थे, एंड दीज एरियाज वर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट dynasties एंड इंडिपेंडेंट kings also. इसी तरह से हमें यूरोप के बारे में पढ़ना है. नंबर वन, कौन कौन से एरियाज? हैब्सबर्ग एम्पायर, पूरे एम्पायर का नाम क्या था?
हैब्सबर्ग एम्पायर जैसे मुगल डायनेस्टी, जैसे अच्छा सपोज मैं आपको इंडिया की तरह बताती हूँ, जैसे इंडिया में मुगल डायनेस्टी थी ना, लेकिन मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में, मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में कौन कौन थे? सिख कम्युनिटी भी थी, हिंदू कम्युनिटी भी थी, मराठा भी थे, ठीक है, राजस्थान, मेवाड़, सतरन एरियाज में जो किंग्स थे वो भी थे। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी वॉज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज। ऐसे ही बेटा आपने याद रखना है, हैब्सबर्ग एम्पायर वॉज द पैचवर्क ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज। कौन कौन सी कम्युनिटीज? नंबर वन, सबसे पहले आपने बताना है एल्पाइन रीजन के नाम बताओ। एल्पाइन रीजन, ALPINE, एल्पाइन रीजन। देन ऑस्ट्रिया, देन बोहिमिया, कोई भी दो तीन एग्जांपल ले सकते हो, बोहिमिया। दीज एरियाज वर जर्मन स्पीकिंग, इन एरियाज में लोगों की लैंग्वेज जर्मन थी। देन सेकेंड लोम्बार्डी एंड विनिशिया, LOMBARDY, VENETIA, लोम्बार्डी एंड विनिशिया। यहाँ पे इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? इटालियन, ठीक है। देन थर्ड थर्ड इज हंगरी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दे स्पोक मैग्यार and other people they spoke different regional languages, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसमें एम्पायर एक था लेकिन उसमें लिंग्विस्टिक ग्रुप जो थे वो अलग अलग थे, ठीक है।